दोस्तों यहाँ से ये लिंक जो देख रहे हैं आप, जो राइट साइड वाला लिंक है ये पिजामा की तरफ जाता है, और जो जहाँ से ये बुजुर्ग आ रहे हैं लेफ्ट साइड वाला लिंक जो है ये गिंगल की तरफ जाता है और आगे फिर उड़ी से मिल जाता है। तो ये जो लिंक है ये थोड़ा आगे जाके मैं आगे आपको तफसील दे दूँ। यहाँ पहुँच कर यहाँ फिर ये लिंक दो हिस्सों में डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ से आगे दो रास्ते निकलते हैं। एक ये जो राइट साइड वाला है ये पिजामा की तरफ जाएगा लच्छी पोरा माई एरिया, और दूसरा यहाँ से ये नाले के साथ साथ ये जो है ये देखिए ये नाले के साथ साथ और ये रेशावाड़ी की तरफ, रेशावाड़ी जुलूसा की तरफ। तो यहाँ से ये दो लिंक्स बनते हैं, ये लेफ्ट वाला। तो अब हम लोग लेफ्ट वाले पे जाएंगे एक कड़ा जी। दोस्तों उसके बाद मैं करीब करीब उस गांव की तरफ पहुंच गया जहां मुझे जाना था। तो ये नीलनाग नाला है जो आप देख रहे हैं, ये अभी इसमें पानी कम है लेकिन इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, और मछलियां पकड़ने के लिए बड़ी अच्छी जगह है, स्पेशली अच्छी किस्म की मछलियाँ होती हैं यहाँ पर। आप पकड़ें आएँ तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी इस पर कि आप लोग आएँ और यहाँ मछलियाँ पकड़ें। बड़ी प्यारी जगह है, रोड है दोनों साइड से इसके, पक्का रोड है, और आप आएँ अच्छे किस्म की मछली होती है। और सबसे अच्छी बात है कि आप लाइसेंस बना के आ जाएं तो फिशरीज डिपार्टमेंट के पास से साल का 300-350 रुपया देना पड़ता है। तो ये जगह है वो, इसको गांव का नाम रेशावाड़ी है। और ये देखें आप, ये यहाँ से ऊपर की तरफ अलग हो जाता है रास्ता, और यहाँ से ये नीलनाग नाला शुरू हो जाता है। तो इसके दो तरफ आबाद है ये गाँव, तो अलग अलग कबीलों से लोग रहते हैं यहाँ पे। तो आप आए फिशिंग के लिए बड़ा अच्छा, गर्मियों के मौसम में आप आ जाएं, बरसात में तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो दोस्तों फाइनली मैं अपने स्टॉप पर पहुंच गया जहाँ मुझे पहुंचना था। ये वो जगह है, ये नीलनाग नाला, ये गांव, ये आप देखें ये गांव, ये इलाका, और ये मेरा जाए मुकाम जहाँ मुझे पहुँचना था। इसके साथ मैं व्लॉग अब ख़त्म करता हूँ, तो आप भी इंजॉय करें, मैं भी इंजॉय करता हूँ। तो दोस्तों यही था फाइनल, तो ये मेरी फाइनल जहाँ पे मुझे पहुँचना था। तो ये बाकी वसलाम, आप बैठें मैं भी।